का हजूम है, चार चार पांच पांच दिन फ्रूट की गाड़ियां रुकी हुई हैं, और वहां से जो टमाटर पेरिशेबल आइटम्स टमाटर हैं, आपके पोल्ट्री है, वो भी रुका हुआ है। तो ट्रांसपोर्टर परेशान है, व्यापारी परेशान है, और इसके साथ साथ जो ग्रोवर्स हैं और फ्रूट का क्या हाल है वो अल्लाह ही बेहतर जानता। आप सब समझते हैं कि रेट्स भी जो हमारे बाहर की मंडियों में हैं वो बिकास है, जो बाहर से फ्रूट आ रहा है गवर्नमेंट शुड उसको कंटेन करना चाहिए ताकि अपना फ्रूट बिके हमारा। तो बाहर का फ्रूट इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ का फ्रूट जो कश्मीर का है वो उसकी जद में आकर उसके रेट नहीं चल रहा। रेट का हम कुछ नहीं मानते हैं, रेट तो पंडी का ऊपर डाउन होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा है ये आपका यू हैव फेल्ड गवर्नमेंट साहब, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हो गई है। ये इसको ट्रैफिक को फ्रूट्स के ट्रक्स को रोज रोज हम ये सुनते हैं, आज क्लियर करो, आज ये करो, आज वो। आप क्या ये हाईवे का काम 10 दिन रोक नहीं सकते हैं, सो दैट ये ट्रैफिक में जो खलल पैदा हुआ है, और आप के जो अफसरान हैं जो भी हैं दे हैव मिजरी फेल, और वो सिर्फ इश्यूज ये स्टेटमेंट्स इशू करने के बगैर, यकीन दहानियाँ देने के बगैर कुछ नहीं। और ग्राउंड लेवल पर आपका कौन सा ऑफिसर जाता है, अगर सरकार होती चुनी हुई मिनिस्टर वहाँ पहुँचता, MLA पहुँचते, लेकिन आज ये इस गवर्नर रूल में ये हाल देखने मिली है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारी ये अपील रहेगी कि आप इस इंडस्ट्री फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए जल्द अज जल्द फौरन कदम उठाइए, अदरवाइज दिस इज़ अ डिजास्ट्रस फॉर दिस फ्रूट इंडस्ट्री, नंबर वन। नंबर टू, अभी हाल ही में पढ़ रहे हैं कुछ ऑर्डर निकला है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गिनी पिग समझा है, भेड़ बकरी समझा है, और आपने ये एक तरफ से आप ड्रग्स बोलते हैं हम इसका कंट्रोल करेंगे, ड्रग्स का पर आपने बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है आपके, NGOs कर रहे हैं, गवर्नमेंट ठीक है वेलकम, और आपका एक ऑर्डर निकलता है कि आप अभी ये जो आपकी दुकानें क्या सी बोलती हैं वो उनको स्टोर्स में, आपके स्टोर्स में शराब बिकेगी, ये आप हमारी सिविलाइजेशन को तहजीब को ख़त्म करने पर तुले हुए हो। ये कतई पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, और आवाम यहाँ का भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने इतने ऑर्डिनेंस आज तक लाए वो तो चल, लेकिन ये जो है ये डायरेक्टली ये शराब जो आपने खुलेआम बेचने का ये हर दुकानों पर ये आपने एक ऑर्डर इशू किया है, इसको फौरन वापस लीजिए, अदरवाइज इससे हर एक माँ, हर एक बच्चा, हर एक वालदेन दुखी है, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जितना जल्द हो उसको वापस लेकर, और ये आप क्या संदेश देना चाहते हो, यही आपका गुड गवर्नेंस है, नंबर टू। नंबर थ्री, आपका एक जम्मू के DC साहब ने कोई ऑर्डर निकाल दिया है कल, वो मुझे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बाहर के जो कोई भी है एक साल से रह रहा है उसको जी आप वोटर, ऐसी गलती मत आप कीजिए। क्या आपने ये दफा और स्टेट को इसीलिए हटाया था कि आप यहाँ का वो एक इलेक्ट्रल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं? पैंथर्स पार्टी इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ऑर्डर भी आप फौरन वापस, ऑर्डर पे ऑर्डर तो ये आप वापस ले लीजिए। ये आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करो, आवाम इसको इसका जवाब दे देगी आपको इलेक्शन में, लेकिन तब से पहले ये आप ऐसे ऑर्डर्स जो हैं, ये जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर हैं, ये जो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि लोग क्यों कह फोन आ रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी भी, हम छोटे से पार्टी है, छोटे से पोलिटिकल वर्कर हैं, हम भी ये सोच रहे हो क्या रहा है ना। चौथा इशू है वो ये इशू है कि आपके माइग्रेंट एम्प्लाईज जो प्रीमियम PM पैकेज में लगे हुए हैं वो ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, उनकी डिमांड है, आप उनसे बात ही नहीं करते हो, वो जम्मू में बैठे हैं, और आपके डिविजनल कमिश्नर, आपके दूसरे ऑफिसर उनको ऑर्डर निकाले रहे हैं कि आप ड्यूटी देना फ़र्ज़ है, वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप ये पहले अनाउंस कीजिए कि द सिचुएशन इज कंड्यूसिव फॉर द माइग्रेंट एम्प्लाईज टू गो फॉर द ड्यूटी। उनकी ड्यूटी जाने के लिए आपने हालात पैदा कर दिए हैं कि सेफ है, वो अपने आप को अनसेफ कर रहे हैं, मासूम कर रहे हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी दीजिए, आप वो ऑर्डर भी वापस लीजिए। ऑर्डर पे ऑर्डर ये बर्दाश्त नहीं है, ये हमारे रियासत के अवाम के साथ और सब तबका के साथ एक बहुत जुल्म कर रखा है। ये हमें उम्मीद थी कि शायद गवर्नर रूल में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं है, और ये आप माइग्रेंट अप्लाईज के जो लीडर उनसे बात कीजिए, कोई लाबरू साहब से, मैंने सुना लाबरू साहब जो मीडिएटर बनाए थे, कोई अफसर हैं गवर्नमेंट ने, उनसे बात, वो बोलते जाइए आप ज्वाइन कीजिए, मैं उनसे मिलता हूँ, वो हमें बोल रहे हैं कि हमें एक डर का माहौल है,
क्योंकि जो आपकी सॉफ्ट किलिंग हो, ये यहाँ ये नहीं है, यहाँ बहुत सबको ये किलिंग का टॉप टारगेट है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ज़्यादा ही महसूस हो रहा है कि वो हम ड्यूटी जाएंगे कैसे। गवर्नमेंट ये बताए कि जो उनकी डिमांड है उनसे बात करे और उनसे उनको मोटिवेट करे, अगर वो ड्यूटी जाने के काबिल हैं, आपने इतना माहौल कश्मीर में ठीक कर दिया है जहाँ से वो ऐसी हरकत दोबारा ना हो, तो आप कीजिए, अदरवाइज डोंट फोर्स देम टू गो फॉर द ड्यूटी और उनके साथ बात कीजिए। आप बात करते ही नहीं उनके साथ, वो धरने पे बैठे हैं क्या? आपको ये यही डेमोक्रेसी है? तो ये जो चार पॉइंट्स हमने बोले हैं, पहला ये फ्रूट का, दूसरा शराब का, और तीसरा आपका जो ये कंट्रोवर्शियल है ये आपका ये वोटर्स का, ये वोटर्स ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। आप कहीं जाओगे और आपने डोमिसाइल ये बनाया, ये ड्रामे बाजी बंद होनी चाहिए, और सरकार से हम ये बोल रहे हैं कि आप ये तमाम जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स हैं ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। और आवाम का गुस्सा जब बाहर आता है तो बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं।